हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, जब भी मैं हार्ट के ऊपर वीडियोस पब्लिश करता हूँ तो हर एक वीडियो में एक कमेंट जरूर आता कि भैया बताओ कि प्यूबर्टी के बाद हम अपना हार्ट इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं सकते। तो अगर आपका डाउट कुछ ऐसा है तो जान लो इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको बहुत एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एंड कमेंट करना भाई बहुत ज़रूरी है। जब आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि आपका क्या डाउट है एंड मैं उसके ऊपर वीडियोस लाता हूँ। तो कमेंट जरूर करना, हर एक वीडियो में कमेंट जरूर करना एंड जितना हो सके कमेंट करना, 8, 10, 15, 20 कमेंट जितना मन आप कमेंट कर सकते हो। हर एक वीडियो को लाइक दिखाना, शेयर करना। आप लोग अगर मुझे प्यार करते हो तो वीडियो को शेयर करना, जितना हो सके शेयर करना, सब लाइक करके जाना, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे कि प्यूबर्टी क्या है। सबसे पहले हमारा हाइट कब से इंक्रीज होता है, सबसे पहली चीज जानो हमारा हाइट इंक्रीज कब से होता है। जब आप अपना हाइट इंक्रीज करना चाहते हो तो ये चीज आपको जरूर जानना चाहिए। जिस दिन आपने इस धरती पे कदम रखा है आपका हाइट उसी दिन से इंक्रीज हो रहा है, उसी दिन से आपका हाइट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं, प्यूबर्टी मतलब आपका वॉइस चेंज होता है, फिर आपका प्यूबिक हेयर आता है, फिर आपका बॉडी में हेयर आना स्टार्ट होता है, तो बहुत सारा बॉडी में चेंजेस होता है। एंड प्यूबर्टी हिट करने के बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंजेस आता है। तो जब भी आप प्यूबर्टी हिट कर रहे हैं तो आपका बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ये टाइम है कि आपका बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जिसके कारण से आपका हाइट में भी चेंजेस आता है। आपका हाइट बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, जिसे हम लोग ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। तो प्यूबर्टी पीरियड कितना दिन लास्ट करता है डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी का 1 साल में ख़त्म हो जाता है, किसी का 2 साल तक चलता है, तो किसी का 4 साल तक भी चलता है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड प्यूबर्टी पीरियड में आपका हाइट बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। एंड आपको ये भी पता होगा कि ग्रोथ प्लेट्स कितना इंपॉर्टेंट है हार्ट इंक्रीज करने के लिए। जब तक आपका ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहेगा, खुला रहेगा, आपका बोन्स बढ़ेगा, बोन्स का लेंथ बढ़ता है, आपका हार्ट इंक्रीज होगा। लेकिन ग्रोथ प्लेट्स जैसे लॉक हो जाएगा फिर बोन्स बढ़ने का जगह नहीं रहता है। तो जैसे ही प्यूबर्टी खत्म होता है, प्यूबर्टी पीरियड खत्म होता है, एंड सभी का प्यूबर्टी पीरियड अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है, आपका दोस्त का अलग है, आपका भाई का अलग है, हर किसी का अलग है। एंड जैसे ही आपका प्यूबर्टी पीरियड खत्म होगा आपका ग्रोथ प्लेट्स लॉक हो जाएगा। प्यूबर्टी पीरियड खत्म, ग्रोथ प्लेट्स लॉक, मतलब ग्रोथ प्लेट्स लॉक होगा तो आपका हाइट इंक्रीज नहीं होगा। तो 99.9% केसेस में आपका प्यूबर्टी पीरियड ग्रोथ प्लेट्स लॉक हो जाता है। सो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आपके हाथ में टाइम है तो इस टाइम को गलत वे में यूज़ मत करो, अपना मैक्सिमम एफर्ट डालो। बिकॉज जिस दिन आपका ग्रोथ प्लेट्स लॉक हो जाएगा आप चाहे कुछ भी कर ले आपका हार्ट इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए बार बार कहता हूँ कि मेहनत करो यार, टाइम पार मत करो। हार्ट इंक्रीज करने का एक एज रहता है, योर हार्ट ओनली इंक्रीजेस व्हेन यू आर इन योर ग्रोइंग फेज। मैक्स टू मैक्स आपका हाइट एज 20 तक इंक्रीज होगा। तो अगर आपका एज 20 के अंडर है तो भाई मेहनत करो, जितना टाइम है मेहनत करो। जिनका एज अभी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है तो भाई मेहनत करो। सो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर हाथ में टाइम है तो भाई मेहनत कर लो। एंड मैं ये भी कहता हूँ ना कि आप फेल करेंगे फिर सीखेंगे, लेकिन जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, हमें फेल करने का टाइम नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी मैं वीडियोज़ में आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसको सही से फॉलो करें, बिकॉज आपको भी फेल नहीं करना है, डायरेक्ट आपको पास करना है, आपको एक ही चांस मिला है। जो भी मैं वीडियोज़ में कहता हूँ उसको सही से फॉलो करना, आप डायरेक्ट पास हो जाएंगे, आपको फेल होने की जरूरत नहीं है। बिकॉज एक्सपीरियंस मैंने कर लिया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया और मैं अपना ज्ञान आपको देता हूँ। बिकॉज ये गलती करेंगे आपको उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो गलती करेंगे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैं जो भी चीज़ आपको कह रहा हूँ उसको 100% आप फॉलो करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप अपने से ट्राई करने जाएंगे फिर आप फेल हो जाएंगे, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज मेरे से लो, मेरा एक्सपीरियंस लो और अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो, आपका हाइट इंक्रीज हो जाएगा। एंड जिनके पास टाइम है, जिनका ये 14-15 साल है, उनका हाइट अभी 2-3 साल तक इंक्रीज हो गई,
तो वो गलत कर सकते हैं, लेकिन गलत करके फ़ायदा नहीं है। जितना आप सही तरीके से करेंगे आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी मैं वीडियोज में कहता हूँ, हाइट के ऊपर कम से कम मैंने 150 वीडियो बना लिया, 150 वीडियो अगर आप सभी वीडियोज़ को देख लेंगे ना, तो आप तो श्योर शॉट अपना हाइट इंक्रीज कर लेंगे। इतना मैंने सही इन्फॉर्मेशन दिया है एंड मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया है, और अभी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाला, तो आप लोग को डरने का जरूरत नहीं, मैं आप सभी के साथ हूँ एंड आपका हाइट जरूर इंक्रीज होगा। एंड जो भी अपना हाइट इंक्रीज करना चाहते हो कमेंट करो, एंड कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट करना। एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, बहुत मेहनत से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ आप लोगों के लिए। सो आज मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ, ज़्यादा बताकर और फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, अंटिल पीस, बाय, टेक केयर।